प्रस्तुतकर्ता केसरी मरहम एवं तैलम 1957 से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस की तैयारियों की दी जानकारी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा, चुनावों को लेकर यूपी पुलिस तैयार, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना हमारा दायित्व। कानपुर पुलिस कमिश्नर आईपीएस असीम अरुण का वीआरएस मंजूर, बीजेपी से चुनाव लड़ने की है चर्चा, कन्नौज सदर सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। यूपी में मोदी और योगी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी, यूपी बीजेपी का पहला चुनावी पोस्टर जारी, मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही यूपी में सियासी उठपटक तेज। सीएम योगी ने कहा, प्रचंड बहुमत से होगी वापसी, अखिलेश ने कहा बीजेपी की विदाई तय। सीएम योगी का अखिलेश पर जोरदार पलटवार, कहा जनता राम भक्तों और शब्द लोगों के फर्क को पहचानती है, जनता ने जब चार बार सत्ता दी तब वो सिर्फ दंगे कराते थे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का अखिलेश पर निशाना, कहा अखिलेश कहते हैं मैं आ रहा हूं, किसके लिए आ रहे हैं, अराजकता फैलाने, जिन्ना की मूर्ति लगाने या फिर गुंडा राज चलाने। यूपी बीजेपी ने ट्वीट कर पिछली सरकारों पर साधा निशाना, 2017 से पहले की सरकारों ने किसानों के हित में कभी नहीं सोचा, डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से किसान हो रहे खुशहाल। अखिलेश के बयान पर सीएम योगी का तंज, बबुआ बता रहे बीजेपी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हावी, अब बबुआ पर हार का हर्ड हावी, सभी प्लेटफॉर्म से छुट्टी रेलगाड़ी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीएसपी ने भी कसी कमर, चुनावी तैयारियां की तेज, उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए बुलाई बड़ी बैठक। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर साधा निशाना, कहा यूपी में अभी जंगल राज चल रहा है, हमारी सरकार में होता था कानून का राज। आचार संहिता लगते ही सपा परिवार में बैठकों का दौर शुरू, मुलायम अखिलेश शिवपाल और रामगोपाल यादव की बैठक आज। अखिलेश को मुस्लिम विरोधी बताने पर तुले ओवैसी, कहा ट्रिपल तलाक पर अखिलेश पतली गली से निकल गए, मुलायम ने मोदी को दोबारा पीएम बनने का दिया था आशीर्वाद। सुविधा ऐप के जरिए भी उम्मीदवार ऑनलाइन कर सकेंगे नामांकन, कोरोना काल में भीड़ कम करने के लिए चुनाव आयोग का बड़ा कदम। यूपी में सरकारी राशन के सामान से हटेंगी तस्वीरें, खाद्य तथा रसद विभाग के आयुक्त ने जारी किया आदेश, आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद दिया गया फैसला। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कोरोना पर पीएम मोदी की समीक्षा बैठक, का सूत्रों के मुताबिक देश के कोरोना के हालात पर आज शाम 4:30 बजे पीएम की समीक्षा बैठक। यूपी में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में ऑनलाइन क्लासेस चलाने के निर्देश, 10 जनवरी से 16 जनवरी तक ऑनलाइन क्लासेस चलाने के शासन ने दिए निर्देश। गुजरात में पाकिस्तान की बोट वाली साजिश नाकाम, पोरबंदर से पकड़े गए 10 पाकिस्तानी, बोट भी बरामद की गई। पहाड़ से मैदान तक आसमानी आफत, पहाड़ों पर बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, मैदानी इलाकों में बारिश के चलते बढ़ी छिछुरन।